आज का कीवर्ड जो है कुछ अलग है, इंटरेस्टिंग है। आज हमारे पास एक ऐसा कीवर्ड आ गया है जो कि सॉफ्टवेयर के नाम पे, बिल्ड क्वालिटी के नाम पे, अकोस्टिक ट्रीटमेंट के नाम पे, एपिक्स क्वालिटी और इवन प्राइस के मामले में भी बेहतरीन अफोर्डेबल प्राइस में आता है और एक रिनाउंड कंपनी की तरफ से आता है। हमारी चैनल में हमने ईपोमेकर के पता नहीं कितने ही कीबोर्ड्स का रिव्यू कर डाला है, आज उसी में एक और कीबोर्ड शुमार हो जाता है। नाम है TH80SE। अब ये जो है TH80V2 Pro का छोटा भाई है और ये वाला कीबोर्ड जो है उसे हमें भेज दिया है शुभोदीप मुखर्जी ने, जिन्होंने इस प्रोडक्ट को खरीदने की इच्छा जो है हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @TechBoxIndiaOfficial में बताई थी और हम जो है ये रिव्यू उन्हीं की बदौलत कर पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज इससे पहले कि इस एपिसोड को और फर्दर प्रोसीड करें, नीचे जो भरोसे वाला बटन है, नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है, उसे जोर से दबाना बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है ताकि हम इसी तरीके से न्यूट्रल अनबायस्ड बने रहे और इस न्यूट्रल अनबायस्ड चैनल को इसी तरीके से बनाए रखने के लिए दो तरीके हैं। पहला, आप शुभोदीप जैसा ही कोई प्रोडक्ट लेने के बारे में प्लान कर रहे हो तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल में आके बताओ, हम जो है वो प्रोडक्ट दिलाने में आपकी कुछ मदद करेंगे मॉनिटरी तरीके से, और एवज में आप इसी तरीके से हमें रिव्यू करने देना, रिव्यू होने के बाद प्रोडक्ट आपके पास विद अ सरप्राइज गिफ्ट। नंबर टू तरीका ये है दोस्तों कि हमारे पास हो चुका है काफी बड़ा सा स्टॉक कीबोर्ड का, माउस का, गेम पैड्स का और मॉनिटर्स का, तो इन सारी चीजों को जो है हमें बेचना है ताकि ये चैनल इसी तरीके से न्यूट्रल बना रहे। अगर आपको परचेज करना है, हम दोनों की ट्यूनिंग मिल जाती है, तो जो है आपको यहाँ से ये प्रोडक्ट Amazon से भी सस्ते प्राइस में जो है यहाँ आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएगा। उसके लिए भी आपको हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @TechBoxIndiaOfficial में आके हमें बताना पड़ेगा। दैट्स बीइंग सेड, चलिए आज बात करते हैं ईपोमेकर TH80SE की बात, TBH यानी टेक बॉक्स हिंदी के साथ। सो भाई लोग, ये है ईपोमेकर का TH80SE जो कि छोटा भाई है TH80V2 Pro का। अब ये जो है ब्लू कलर के पैकेजिंग में आता है इसके बड़े भाई जैसा ही, साथ ही यहाँ पे प्रोडक्ट का ग्राफिकल डिपिक्शन और साथ ही यहाँ पे ब्रांड नेम देखने को मिल जाता है। पीछे की तरफ देखिए तो यहाँ पर भी जो है बड़ा बड़ा आपको ईपोमेकर की ब्रांडिंग शेंडिंग देखने को मिल जाएगी। चलिए बॉक्स को खोलते हैं। अब यहाँ पर जो बॉक्स हमारे पास आया है, ये बॉक्स थोड़ा सा वियर एंड टियर हालत में हमारे पास पहुंचा है और बहुत दूर से भी आ रहा है, तो ये चीजें एक्सपेक्टेड है। लेकिन जो चीज में हम एक्सपेक्ट नहीं करते किसी भी तरह का वियर एंड टियर, वो है ये कीबोर्ड। इसको निकाल लेते हैं। सबसे पहले निकालने से पहले अच्छी बात ये है कि यहाँ पर हमें एक बढ़िया सा कवर देखने को मिलता है। एक सेकंड मैं दिखाता हूँ। इसको हमने रख लिया साइड में। ये प्लास्टिक का कवर जो है काफी काम आता है कीबोर्ड के साफ सफाई में, मेंटेनेंस में। इसको रख के ढके रखेंगे तो इसमें धूल मिट्टी कम जाएगी। चलिए देख लेते हैं एक्सेसरीज आर अंडरनीथ, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है। इसको खोल लेते हैं और यहाँ पर एज यूजुअल ईपोमेकर के बॉक्स पैकेजिंग में जैसे कि बहुत सारी चीजें मिल रही है, यहाँ पर भी हमें काफी सारी चीजें देखने को मिलती है। सबसे पहले ये केबल देखने को मिलता है। केबल का ओवरऑल क्वालिटी देखिए, केबल कितना मोटा है और साथ ही यहाँ पे टाइप सी से टाइप ए का जो पॉइंट है आपको देखने को मिलता है, वेलक्रो टेप वगैरह के साथ आता है। लंबाई की बात करें दोस्तों तो ये जो केबल है ये 1.8 मीटर के लेंथ के साथ आ जाता है। रखते हैं इस केबल को साइड में। अब कीबोर्ड ब्लैक है तो केबल भी हमें ब्लैक ही देखने को मिलता है। यहाँ पर मिलता है असली मजेदार चीज, ये जो है ये स्विचेस आपको एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं और ये स्विचेस है फ्लेमिंगो स्विचेस, ईपोमेकर की तरफ से आता है। इसका एक छोटा सा साउंड टेस्ट आप सुनो। सो ऐसा कुछ साउंड करता है, बहुत ही प्रीमियम है, फेमस है और बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है जब ये कीबोर्ड पे आपको थॉकी साउंड दिलाएगा। इसको रखते हैं साइड में। अब आ जाते हैं अगली चीज पे। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है एक एक्स्ट्रा स्पेस बार। अब ये चौको बार जैसा ही दिख रहा है लेकिन इसको निकालने के बाद आपको मैं बताता हूँ, ये जो स्पेस बार है ये कुछ दूसरे कलर का है, यानी कि ब्लैक कलर में देखने को मिलता है। कीबोर्ड पे जो आपको लगा हुआ स्पेस बार देखने को मिलेगा वो वायलेट कलर का होगा। इसको भी रख लेते हैं साइड में। आप अपने टेस्ट के अनुसार यहाँ पे स्पेस बार की कलरिंग जो है चेंज कर सकते हो। जेनेरिक वाला टूल देखने को मिलता है, स्विच रिमूविंग टूल यहाँ पे और की कैप रिमूविंग टूल यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसको भी रख लेते हैं साइड में। एंड देन आ जाते हैं आखिरी पे, ये है पुस्तिका, बेहतरीन क्वालिटी का, हमेशा की तरह ईपोमेकर का पिक्टोरियल डिपिक्शन मैंड्रीन और इंग्लिश में, जिसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये एपिसोड अपने आप में कंप्लीट है। तो इसको सारी चीजें रख लेते हैं साइड में। अब आ जाते हैं मेन कीबोर्ड पर। सो कीबोर्ड जो है काफी भारी है, 1 kg के ऊपर डेफिनेटली रहने वाला है। सही सही बताऊं तो 1011 ग्राम यानी कि 1011 ग्राम जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कीबोर्ड का वजन। ये प्रोटेक्शन कवर हमने रख लिया साइड में। ये घूंघट से आ गया बाहर। कीबोर्ड का फर्स्ट लुक
आपके सामने वाकई बहुत भारी है कीबोर्ड, और ये कीबोर्ड जो है जितना हेवी है बिल्ड में भी उतना ही बेहतरीन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि देख सकते हो 75% लेआउट के ऊपर आता है। यहाँ पे जो मेन अट्रैक्शन है वो है यहाँ पे ये मेटल का डायल नॉब। ये डायल नॉब जो है ये काफी सारे मल्टीपर्पज रोल्स निभाता है। पीछे की बात करें तो यहाँ डबल साइज इंक्लिनेशन क्लिप देखने को मिल जाता है। हिंजेस वगैरह बात करने की जरूरत ही नहीं है, बेहतरीन सॉलिड हिंजेस वगैरह देखने को मिलता है। रबर ग्रिप्स भी काफी चौड़े चौड़े दे दिए गए हैं, और साथ ही यहाँ पे दो तरह के स्विच आपको देखने को मिलता है। ये मैक और विंडोज में टॉगल करने का स्विच आपको देखने को मिलता है, यानी कंपैटिबिलिटी यहाँ पे दोनों ही मिलने वाली है। और ये है कनेक्टिविटी टॉगल करने का स्विच, जिसमें 2.4 गीगाहर्ट्ज़ यूएसबी और साथ ही ब्लूटूथ में कनेक्शन का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो कीबोर्ड है दोस्तों, ये बना हुआ है टोटल पीवीटी कंस्ट्रक्शन के साथ, बेहतरीन प्लास्टिक और मेटल बेस प्लेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर जो है आपको ओवरऑल हाई प्रोफाइल कीबोर्ड है, तो इसमें जब टाइप करोगे उसका मजा ही अलग आता है। और जैसे कि देख सकते हो ANSI लेआउट वगैरह के साथ आता है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के हिसाब से। और साथ ही एक बड़ी बात कि यहाँ पर आपको डोंगल कहाँ दिख रहा है, डोंगल आपको दिखेगा यहाँ पीछे, पीछे भी कहाँ पे, ये यहाँ पे आपको डोंगल देखने को मिलता है। और साथ ही टाइप सी का पोर्ट जो है ऑलमोस्ट ऑल जो है आपको मिडिल में देखने को मिलता है, ज्यादातर राइट हैंड साइड में। और ये इसलिए दिया जाता है, जिस कीबोर्ड में राइट हैंड साइड की तरफ होगा वो बेहतर इसलिए होगा क्योंकि आपका सिस्टम जनरली जो है राइट हैंड साइड में होता है। कलर आप जरा देख के बताओ, अगर ब्लैक कलर का सेटअप है और मैं इसे यूं रख दूं, क्या ही प्यारा कीबोर्ड है। अब ये जो कीबोर्ड है ये एक बेहतरीन प्राइस पॉइंट में तो आता ही है, जिसको सुन के आप डेफिनेटली एपिसोड के आखिर में चौंकने वाले हो, लेकिन साथ ही ये कीबोर्ड आज तक मेरे दिखाए गए सभी कीबोर्ड में वन ऑफ द मोस्ट यूनिक कीबोर्ड है, वन ऑफ द मोस्ट पोटेंशियल रखने वाला कीबोर्ड है। वो कैसे, आगे जानते हैं कुछ बेहतरीन बी-रोल शॉट्स के साथ। अब की कैप्स की बात करें तो यहाँ पर भी जो है आपको पीवीटी कंस्ट्रक्शन ही देखने को मिलता है। डबल इंजेक्शन मोल्डेड पीबीटी प्लास्टिक का कंस्ट्रक्शन यहाँ पर एपेक्स लेवल का आपको देखने को मिलेगा। पास थ्रू लाइटिंग ऐसे प्रीमियम कीबोर्ड्स में आपको देखने को नहीं मिलता है, रीजन बीइंग कि आपको अकोस्टिक जो स्प्लेजर है, जो साउंड का थॉकीनेस है, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करवाना चाहती कंपनीज, और जो की मेरे हिसाब से सही भी है। साथ ही आपको यहाँ पर अगर स्विच सिस्टम की बात करूं तो यहाँ पर बड़ा ही इंटरेस्टिंग इपो मेकर का फ्लेमिंगो स्विच आता है। अब ये जो स्विचेस है ये लीनियर है, प्रीलूप्ड है और बेहतरीन साउंड करते हैं। साउंड मैं आपको सुनाऊंगा, पहले इसके कुछ डिनोमिनेशन सुन लो। ये जो स्विचेस है ये प्रीलूप्ड होने के साथ यहाँ पर लीनियर फीडबैक रजिस्टर करते हैं। एक्चुएशन फोर्स आपको लगने वाला है 47 से 5G का, और साथ ही ट्रैवल डिस्टेंस रहने वाला है 3.80 mm का। ये जो स्विचेस है ये वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट स्विचेस है इपो मेकर की तरफ से, और साथ ही जो कंपनी का दावा है वो 50 मिलियन की स्ट्रोक्स है, लेकिन मैं पहली बार ये कह रहा हूँ कि इससे भी ज्यादा ये स्विचेस जो है चल हैं। साथ ही पूरे स्विचेस जो है वो हॉट स्वैपेबिलिटी को सपोर्ट करता है, स्वैप कर सकते हो, हॉट स्वैप कर सकते हो, 3 पिन हो 5 पिन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, और बिल्कुल लेगो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, बहुत जॉयफुल मॉडिंग जो है आप इसके ऊपर कर पाओगे। लेकिन जो स्विचेस इसके ऊपर लगा हुआ है, जो अकोस्टिक ट्रीटमेंट इसमें की गई है, जो लुब्रिकेशन आपको इस कीबोर्ड में देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको खुद मन नहीं करेगा कि आप यहां पर मॉडिंग करो, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट ही बहुत बढ़िया साउंड करता है। और साथ ही अगर बात करें स्टेबलाइजर्स की, जी हां पूरे प्रीलूप्ड आते हैं और स्टेबलाइजर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी रखी गई है। अकोस्टिक ट्रीटमेंट की बात करते हैं, देखो मेटल बेस प्लेट हो गया, गैस्केट माउंटिंग हो गई, केस फोम हो गया, पीसीबी के ऊपर आपको स्विच पैड वगैरह हो गए या फिर बॉटम पैडिंग हो गई, ये सारे अकोस्टिक ट्रीटमेंट जो है आपको इस कीबोर्ड के अंदर एज इट इज देखने को मिल जाएगा, जैसे कि इसके बड़े भाई TH80V2 Pro में आपको देखने को मिला था। और ये जो साउंड है ये कुछ ऐसा करता है,
अच्छा, आपने साउंड सुन लिया, नीचे कमेंट करो कि आपको इसका साउंड कैसा लगा। मेरे बहुत ही दिल के करीब कुछ कीबोर्ड्स के साउंड में से यह कीबोर्ड का साउंड बिल्कुल आता है। साथ ही अगर फीचर्स की बात करें इस कीबोर्ड की, विंडोज लॉक बटन, मल्टीमीडिया हॉटकीज का सपोर्ट और साथ ही एनकी रोलओवर का सपोर्ट, पूरे कीबोर्ड को लॉक करने की सहूलियत और साथ ही कनेक्टिविटी ऑप्शंस में 2.4 गीगाहर्ट्ज के ऊपर कनेक्शन, ब्लूटूथ के ऊपर कनेक्शन और वायर्ड कनेक्शन, सारी चीजें आपको इस कीबोर्ड के फंक्शनैलिटी में देखने को मिल जाएगा। और ये जो है ये एक्चुअली सिर्फ कीबोर्ड के फंक्शनलिटी की शुरुआत है। जब इसके सॉफ्टवेयर में जाएंगे तब आपको पता चलेगा इस कीबोर्ड से आप क्या क्या फंक्शनलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हो, कितना पोटेंशियल रखता है ये कीबोर्ड। तो चलिए बातों बातों में पोलिंग रेट भी आपको बता देता हूँ। देखो, वायर के ऊपर तो आपको ऑफकोर्स 1000 हर्ट्ज की पोलिंग रेट देखने को मिलेगी, साथ ही 2.4 गीगाहर्ट्ज वाईफाई के डोंगल के ऊपर आपको 500 हर्ट्ज की, और ब्लूटूथ जो कि 5.1 आपको देखने को मिलता है उसके ऊपर 125 हर्ट्ज की पोलिंग रेट आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो गेमिंग किसके अंदर करना है, केबल लगा के ही गेमिंग करनी है। साथ ही अगर कंपैटिबिलिटी की बात करें, जी हाँ, मैक और विंडोज दोनों के साथ जो है कंपैटिबल कीबोर्ड है। और साथ ही जो स्विच है वो आपने देख लिया कि नीचे की तरफ दे दिया गया है। बैटरी की बात कर लेते हैं, बड़ा सा बैटरी 4000 एमएच की देखने को मिल जाएगा, आराम से 15 दिन बिंदास आप इसके ऊपर गेम कर सकते हो। साथ ही अगर लाइटिंग की बात करें, 18 पर की आरजीबी लाइटिंग मोड्स आ जाते हैं। चेंज कैसे करोगे इनको, फंक्शन प्लस स्लैश से जो है एनिमेशन चेंज हो जाता है, फंक्शन प्लस एंटर से जो है इसके कलर्स चेंज हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर जो लोगो देख रहे हो इनको भी कस्टमाइज किया जा सकता है। यहाँ पर जो है आपके लाइटिंग के एनिमेशन में 4 लाइटिंग एनिमेशन देखने को मिलता है, इंक्लूडिंग लाइट्स को स्विच ऑफ भी कर सकते हो। कैसे करोगे, फंक्शन प्लस पेज अप से जो है ये मोड्स बदलते हैं और फंक्शन प्लस होम से जो है इस लोगो का कलर बदलता है। तो चलिए अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। देखो, सॉफ्टवेयर का लेआउट जो है काफी बढ़िया प्रीमियम देखने को मिलता है। पहली बात पहले हो जानी चाहिए, एंटीवायरस इस सॉफ्टवेयर को नहीं रोकती। यहाँ पर कॉर्नर पे लेफ्ट साइड में आपको ईगो मेकर का लोगो देखने को मिलेगा, देन मेन मेनू, फंक्शन सेटिंग्स, मैक्रो सेटिंग्स, लाइट, शेयर, माई अकाउंट और साथ ही अबाउट सेक्शन देखने को मिल जाता है। कीबोर्ड का पिक्टोरियल डिपिक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। राइट साइड में जो है आपको करंट की का फंक्शनलिटी देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर जो है जैसे हमने यहाँ पे की पकड़ लिया आई, आप कोई भी की पकड़ सकते हो इस कीबोर्ड के ऊपर और उसके ऊपर जो है आप कस्टमाइज कर सकते हो। आई बटन को जो है अगर आप डिसेबल करना चाहते हो किसी रीजन से, कोई भी कीबोर्ड का की आप डिसेबल करना चाहते हो, यहाँ से हो जाएगा। रीसेट दबाकर आप उसके फंक्शनलिटी को दोबारा डिफॉल्ट मोड पे ला सकते हो और साथ ही कैंसिल कर सकते हो। साथ ही नीचे की तरफ देखेंगे तो की कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। याद रखना हम मेन मेन्यू के अंदर ही हैं अभी, और यहाँ पर जो है आपको मल्टीपल कॉम्बिनेशंस को अटैच करने की सहूलियत मिलती है। कंट्रोल, ऑल्ट, शिफ्ट, इनके साथ आप दो नहीं बल्कि तीन कॉम्बिनेशन ऑफ कीज को यूज कर सकते हो। इसके बाद अगर डेडिकेटेडली आपको मैक्रो वगैरह सेट करना है तो वो भी यहाँ से आप कर सकते हो। देन आपको मिल जाता है मीडिया बटन्स, यहाँ पर जो है आप ये पॉज हो गया, फॉरवर्ड बैकवर्ड हो गई। देन आता है माउस। माउस में जनरली हम देखते हैं कि किसी भी कीबोर्ड में माउस के फॉरवर्ड बैकवर्ड, लेफ्ट बटन, राइट बटन, ये सारी चीजें कीबोर्ड में लाई जा सकती है, लेकिन इस सॉफ्टवेयर में जो है आप उससे भी बढ़ के माउस के जो व्हील है उसके 3 मेजर रोल होते हैं, फॉरवर्ड स्क्रॉलिंग, बैकवर्ड स्क्रॉलिंग और टैप, ये तीनों को जो है आप कस्टमाइज करके इस कीबोर्ड के ऊपर ला सकते हो। देन बात करते हैं फंक्शन सेटिंग्स की। इसके अंदर जो है आप कीबोर्ड के सारे ही जो कीज हैं उसके डिफॉल्ट रोल को देख सकते हो। देन आ जाता है डेडिकेटेड मैक्रो बटन और देन आता है लाइट्स। अब लाइट्स में जो है यहाँ से पूरा सॉफ्टवेयर जो है अपना रूप ही बदल लेता है। लाइट्स के अंदर जो है मोटे मोटे आपको 3 सेक्शन देखने को मिलेगा, लाइट, लाइट एडिट और साथ ही माई वर्क। अब यहाँ पर जो है लाइट के अंदर आप 18 पर की आरजीबी को टॉगल कर सकते हो, प्लस आपको यहाँ पर 2 म्यूजिक के साथ सिंक्रोनाइजिंग मोड भी देखने को मिलता है। देन उसके बाद लाइट इफेक्ट्स की बारी आती है। यहाँ पर की आरजीबी को जो है आप पकड़ पकड़ के जो है एक एक बटन के ऊपर लाइट्स चेंज कर सकते हो, जो मर्जी वो यहाँ पे क्रिएट किया जा सकता है। आपने कुछ बेहतरीन, बिल्कुल अलग सा एक नया डिजाइन बनाया है, नया एनिमेशन बनाया है लाइटिंग का, उसको आप माई वर्क में सेव कर सकते हो। और अब तो यहाँ शुरुआत हुई है। इसके बाद ऑप्शन आता है दोस्तों शेयर करने का। पूरी दुनिया के साथ जो है आप अपनी क्रिएटिविटी यहाँ पे शेयर कर सकते हो, या फिर पूरी दुनिया के दूसरे लाइट आर्टिस्ट के काम को जो है आप यहाँ पे डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। और ये चीज जो है इस सॉफ्टवेयर को एक अलग ही एंगल दे देता है। और साथ ही दोस्तों अगली बात करें तो यहाँ पे माई अकाउंट में आप जाकर अपना ये कीबोर्ड जो है अपने लिए रजिस्टर कर सकते हो। अबाउट सेक्शन में जो है आपको जितने
कोई भी कंपनी की तरफ से फर्मवेयर अपडेट वगैरह आएगा वो सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अपीयरेंस के अंदर आ जाते हैं। अभी तक तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कीबोर्ड को सजाने की, उसमें कस्टमाइज करने की, लेकिन अगर आपको पूरा सॉफ्टवेयर ही कस्टमाइज करना है तो वो चीज यहाँ से हो सकती है। यहाँ पर सॉफ्टवेयर में आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो या फिर बैकग्राउंड इमेज बदलना हो, वो चीजें भी यहाँ पे दे दी गई है। कुल मिलाकर दोस्तों ये जो कीबोर्ड है ना, एक ऐसा कीबोर्ड है जब आप इसका प्राइस सुनोगे उस हिसाब से आज इंडिया में बहुत सारे इंडियन ब्रांड्स भी जो है अच्छा भी कर रहे हैं और अच्छा और करने की जरूरत है। सबसे पहले बात करते हैं प्राइसिंग की। देखो अमेज़न में तो बहुत प्राइस है। अमेज़न में इस कीबोर्ड की कीमत जो है वो 12,000-13,000 के आसपास कुछ आपको देखने को मिलेगी, लेकिन दोस्तों इनके ऑफिशियल वेबसाइट में इस कीबोर्ड की कीमत है ओनली 4,203 रुपीज 73 पैसे। 4,200 रुपए में आपको ऐसा कीबोर्ड मिले तो आप क्यों किसी दूसरे कीबोर्ड की तरफ नजर भी रखोगे। और देन इस कीबोर्ड के ऊपर आपको टेकबॉक्स 10 यूज करके 10% का डिस्काउंट लगाने के बाद ये कीबोर्ड की कीमत 3,783 रुपए और 72 पैसे पड़ने वाले हैं। अब आप बताओ 3,700 रुपए में आपको अगर ऐसा कीबोर्ड मिल जाए देन आप क्यों किसी दूसरे कीबोर्ड के ऊपर इन्वेस्ट करोगे जहां पे आपको फ्लेमिंगो स्विच और इस कदर का सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों सारी चीजें ही इस कीबोर्ड में अच्छी है, ऐसी भी बात नहीं है। जो सबसे बड़ा अभी बमर आपको देने वाला हूं, उसके बाद आप सबको बहुत सारी निराशा हो सकती है, लेकिन हो सकता है ये टेम्पररी हो, वो ये है दोस्तों कि अभी नीचे दिए गए लिंक से अगर आप परचेज करने जाओगे तो अनफॉर्चुनेटली ये प्रोडक्ट जो है अभी आउट ऑफ स्टॉक है। लेकिन जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो नीचे लिंक पे क्लिक करके जरूर चेक कर लेना कि अभी वो रिस्टॉक हो गया है कि नहीं। कोई भी दूसरा कीबोर्ड लेने से पहले बिल्कुल इस कीबोर्ड को याद रखना और साथ ही आपके उन दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल जरूरी है जो कि एक बढ़िया सा कीबोर्ड एक सही प्राइस सेगमेंट के अंदर ढूंढ रहे हैं। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमारी टीम की मेहनत आपको कैसी लगी नीचे जरूर कमेंट में बताना। हमारे वीडियो को लाइक करना, एंगेजमेंट बढ़ता है तो ऐसा काम जो है और लोगों तक पहुंचता है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करना, बेल आइकन को दबाना और साथ ही हमारे रिकमेंडेशन से अगर आप कोई भी कीबोर्ड लेते हो, माउस लेते हो, हेडफोन लेते हो तो उसको अपने सेटअप में जोड़कर एक फोटो खींचना। फोटो खींच के हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @TechBoxIndiaOfficial में आके उसे शेयर कर देना। हम उस पिक को लेकर लगाएंगे सीधे वोटिंग पे, इंस्टा पे वोटिंग होगी, यूट्यूब पे। अगर आपके सेटअप के पिक को मिल जाता है सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा वोट, तो आपको मिल जाएगा हमारी तरफ से एक फ्री डोमिनोज का वाउचर।